मॉर्निंग सो पीरियोडिक टेबल क्लास क्लास और नीट आई टी मेन आई टी एडवांस ये एक फंडामेंटल टॉपिक है जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन वैसे ही ये एक फंडामेंटल टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है थ्रोडिटल टॉपिक है लास्ट क्लास से एक लेक्चर मैंने लिया था एटॉमिक रेडियस डिफाइन कर दिया था एटॉमिक रेडियस को थ्री डिफरेंट पार्ट में डिफाइन करना है मेटालिक या आइनिक रेडियस कोवलेंट रेडियस रेडियस ये हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट आपको नेक्स्ट पढ़ना था ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस सो एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा रेडियस जो होगा वो वॉन्ड्रोबल रेडियस होगा मैं लिखवाया भी था मैंने बताया था वॉन्डरवाल जो इनर्ट गैसेस हैं कोई बॉन्डिंग नहीं कोई लैटिस फॉर्मेशन नहीं गैस फेज में है डिस्टेंस ज्यादा होता है सबसे बड़ा रेडियस जो होता है वॉन्डरवाल रेडियस इनर्ट गैसेस इसके बाद होता है मेटालिक रेडियस और लास्ट में जाता है कोवेलेंट रेडियस तो यह है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा रेडियस वॉन्ड्रबल रेडियस है गैस फेज में है कोई बॉन्डिंग भी नहीं है कोई लैटिस फॉर्मेशन नहीं है इक्लिबेरियम पे आपने बनाया था और वो एटम्स दूर दूर था बड़ा रेडियस सबसे बड़ा ये वॉन्ड्रोबल होता है उसके बाद मेटालिक होता है और उसके बाद कोविलेंट रेडियस सिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल आप बना देंगे कि ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल है और इसमें हमें एटॉमिक रेडियस को अरेंज करना है तो ये पैटर्न होता है ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस अरेंज करना है तो रेडियस का ट्रेंड ऐसे चलता है इस तरह से और रेडियस ऐसे जाएगा ये है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है और मैं एक कोई भी सेकंड पीरियड मैंने बनाया और सेकंड पीरियड में ऐसे मैंने लिख दिया कि लिथियम है यहाँ पे लिथियम और बेलियम हुआ यहाँ पे बोरन है कार्बन है नाइट्रोजन हुआ ऑक्सीजन हुआ फ्लोरीन है और नियन है और साइंस का रूल है जो रेडियस रेडियस का पैटर्न आ, ऐसे फॉलो करना है ये रेडियस इस तरह से ऑर्डर में जाता है ये पैटर्न है रेडियस का आपके एलेवंथ एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है एलेवंथ क्लास का जो स्कूल का एग्जाम है उसमें जैसे कोई भी ऐसा दे देगा ऑक्सीजन दे देगा कार्बन दे देगा दे 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 नाइट्रोजन है फ्लोरीन है ये ऐसे फोर एटम्स दे देगा दे और फोर एटम में बोला जाएगा कि रेडियस जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बनाना है तो एटॉमिक रेडियस ये रेडियस का ऑर्डर बनाना है मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा है फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है कार्बन है नाइट्रोजन है फ्लोरीन है तो ये चार लिखा हुआ है ये चारों के बारे में लिखा हुआ कि इन चारों को हमें रेडियस अरेंज करना है ये पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ये ऑर्डर है रेडियस का तो सबसे बड़ा रेडियस हो गया यहाँ पे कार्बन कार्बन का रेडियस हो गया एंड देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन ये है ये ऑर्डर हो गया नेक्स्ट अब हम लोग प्रैक्टिस ही करना है इसमें क्वेश्चन ही छोटे छोटे क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है पेपर में आपका यही पीरियोडिक टेबल है और ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है जिसमें है लिथियम और यहाँ बेलियम हुआ और बोरन हुआ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियम ये है सेकेंड पीरियड ऑफ टेबल और ये ऑर्डर है रेडियस का जो कि आपको लिखा रहता है कि रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियड ऑफ टेबल और मान ली आपको पूछा जाए कि हमें बताना है कार्बन है फ्लोरीन है नियन है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है इन पांचों का इन पांच का एटॉमिक रेडियस चाहिए कि इन पांचों का एटॉमिक रेडियस अरेंज करना है तो इन पांच का जो एटॉमिक रेडियस अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा केयर करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको देखिए ये है पांच यही यहीं पे है ये पांचों है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियन यही पांचों ये है ऐसे इस जगह पे रखे हुए हैं जो ऑर्डर है रेडियस का ये ऑर्डर है बट बट थोड़ा सा करेक्शन थोड़ा सा करेक्शन कई लोग ऐसे लिख देते हैं कई लोग इस तरह लिख देंगे कि सर ये रेडियस जो हो गया कार्बन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है फ्लोरीन है और नियन कई लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये तो है ऑर्डर लिखा हुआ बट ये ध्यान रखेंगे ये गलत है एकदम गलत ये सही नहीं गलत है ये सही नहीं गलत गलत है इसमें लीड करेगा जो सबसे लीड करेगा वो नियन नियन लीड करेगा नियन सबसे आगे आएगा ये नियन पहले आएगा ये ऑर्डर ठीक है ऐसे दिया हुआ है बट नियन को पहले करना है क्यों करना है मैं बता देता हूँ फिर कार्बन और फिर ये ऑर्डर सेम रहेगा बस नियन आ गया जाएगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन ये ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका अच्छा बताइए नियन क्या है नियन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का जो रेडियस होगा वॉटर वाल रेडियस और आपने बताया था वॉडर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है मेटालिक नॉन मेटल और उन सबसे बड़ा वाटर बॉन्डेड गैस होता है तो ये इनर्ट गैस है इनर्ट गैस के चलते ये चार रहेगा तो ये तो सिंपल है ये नॉन मेटल है बट जैसे ही इनर्ट गैस आया इनर्ट गैस का रेडियस सबसे आगे आएगा वो सबसे ज़्यादा लीड करेगा आपको तो ये इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का आता uh, है वॉन्डर वॉलडेडिस वॉन्डर वॉलडेडिस ये नेक्स्ट

यहाँ लिखा हुआ है कि इसका डाटा है जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्राम और ये डाटा है जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्राम ऐसे कुछ लिखा हुआ था यहाँ लिखा हुआ था जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्राम और यहाँ वन पॉइंट जीरो सिक्स एंगस्ट्राम और यहाँ लिखा हुआ है वन पॉइंट जीरो सिक्स एंगस्ट्राम और ये है जीरो पॉइंट फाइव और ये है वन और ये भी है वन ये आईटी एडवांस में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आप बताइए करेक्ट डाटा कौन सा है देखिए डाटा पे आपको नहीं जाना है ये नहीं कि डाटा हमको याद करना है नहीं साइंस में डाटा कैसे याद कर सकते हैं मैथमेटिकल डाटा पॉसिबल नहीं है बट ये जरूर यहाँ पे आपका आंसर है यहाँ आप जानते हैं कि रेडियस uh, रेडियस uh, में आपको पढ़ा है कि यहाँ पे रेडियस देख लीजिए नियन का रेडियस नियन का रेडियस फ्लोरिन के रेडियस से ज़्यादा होता है ये पढ़ा हुआ है ये तो जानते हैं कि नियन वॉन्डर वॉल रेडियस इनर्ट गैस उसके चलते इसका रेडियस जो होगा नियन का रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ फ्लोरिन से ये कन्फर्म है ठीक है या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और, और रेडियस ऑफ नियन इज ग्रेटर देन और रेडियस ऑफ फ्लोरिन ये है नियन का रेडियस ज़्यादा है फ्लोरिन का रेडियस तो देख लीजिए नियन का रेडियस जा रहा है फ्लोरिन सिर्फ एक ही डाटा तो इसको सपोर्ट कर रहा है एक ही डाटा ये बी तो आंसर है जहाँ पे नियन का रेडियस इनमें दोनों का रेडियस बराबर हुआ नहीं पॉसिबल है यहाँ पे भी दोनों का रेडियस बराबर है यहाँ फ्लोरिन लीड कर रहा है जबकि इसमें बी ऑप्शन है जहाँ रेडियस ऑफ नियन ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फ्लोरिन ये तो बी करेक्ट हो ये बी करेक्ट हुआ. छोटे छोटे पॉइंट ही है आपका नेक्स्ट आप नाइन पॉइंट में ये आप प्लानिंग करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल में जो रेडियस है ये जो आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं आप पीटी याद कर जाइएगा पीरियोडिक टेबल का कोडिंग दिया हुआ है बेसिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है फर्स्ट पैकेज में वो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार ऐसे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा बट बेस्ट होगा एक बार आप याद कर लें हर एटम को पोजीशन कम से कम पता चलना चाहिए आपको तो आप जानते हैं कि ये ये टॉप है ग्रुप का टॉप हुआ और ये है ग्रुप का बॉटम हो गया बॉटम ऑफ ग्रुप और एटॉमिक रेडियस ये एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये रेडियस का तो इसका रीज़न हम लोग बनाते हैं और ये राइट टू तो लेफ्ट जो होता है उसका रीज़न समझाऊंगा मैं तो यहाँ आपका रेडियस जो है वो जैसे लिथियम है और सोडियम हुआ पोटेशियम हुआ रोबीडियम हुआ सीजियम हुआ फ्रेंसियम हुआ फ्रेंसीम तो स्टार लगाएंगे रेडियोक्टिव है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप सिंपल रीजन है बहुत सिंपल डू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है जैसे आप फिगर बना के दिखा दीजिए और आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा ये तो नाइन्थ क्लास वाली बातें हो गई कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे एक दो एग्जाम्पल बना के ऐसे दिखा दीजिए दिखाइए तो ऐसे जैसे जैसे लिथियम है लिथियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं थ्री होता है नाइन्थ क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एंड टू वन लिखते थे हम लोग और इस तरह हम लोग लिथियम जब लिथियम का ड्राइंग करेंग करेंगे तो लिथियम ऐसा हो गया ये लिथियम हुआ ये लिथियम का न्यूक्लियस हुआ और इसमें दो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट जो हुआ मैं ब्लू कलर का ऑर्बिट बना दिया फर्स्ट ऑर्बिट हुआ और सेकेंड ऑर्बिट हुआ ये ब्लू कलर का जो ऑर्बिट है ये लिथियम हो गया ठीक है नाइन्थ क्लास हो गई सोडियम अगर हम लोग सोडियम के लिए प्लान करेंगे सोडियम इलेवन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट वन होता है और सोडियम का मैं ड्राइंग करूंगा तो सोडियम का मैंने यहाँ पे बना दिया ये एटम सोडियम का न्यूक्लियस बना दिया और इसमें थ्री ऑर्बिट ऑर्बिट या सेल आप कह सकते हैं थ्री सेल हुआ वन ऑर्बिट हुआ और टू ऑर्बिट हुआ और ये थ्री ऑर्बिट हुआ, हुआ थ्री सेल हो गया 19. 19 में हम लोग लिखेंगे two, और eight, और eight, और two, eight, eight, जब आप इसका ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग कुछ ऐसा आएगा पोटेशियम ऐसा फोर सेल है इसमें फोर सेल फोर सेल नंबर वन ऑर्बिट वन ऑर्बिट नंबर टू ऑर्बिट नंबर थ्री और ऑर्बिट नंबर फोर ये फोर ऑर्बिट हुआ अब इसमें आप चेक करिए रेडियस देखिए तो यहाँ पे ये रेडियस देखिए ये वाला कहलाएगा रेडियस इसमें होगा ये थोड़ा बड़ा वाला रेडियस ये है और बड़ा रेडियस हो गया तो रेडियस जो है आपका पोटेशियम का ज़्यादा है सोडियम थोड़ा कम है लिथियम और कम है तो ये बड़ा सिंपल है कि रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप

तो हर एक का रीज़न जानना था कि टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज कर रहा है राइट टू लेफ्ट क्यों इंक्रीज कर रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे आप फिगर बना लीजिए लिख लीजिए रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम From top to bottom. नेक्स्ट वन पीरियड के लिए जो हमारा ग्रुप हो गया और ग्रुप के साथ साथ हमें पीरियोडिक टेबल के पीरियड में पढ़ना है तो पीरियड में आप बना लीजिए तो ये रेडियस का ऑर्डर ऐसे आता है इस तरह से पैटर्न होता है रेडियस रेडियस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये ये है लेफ्ट साइड है और यह है आपका राइट टेबल का राइट साइड और इसका रीजन अलग होता है इसका रीजन एक जेड स्टार एक टॉपिक पढ़ना है आपको जेड स्टार ये मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा एक जेड स्टार ये जेड स्टार जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो रेडियस का जो ग्रुप का ऑर्डर हो गया कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है वैसे ही रेडियस जो है पीरियड में ये जो ये लेंथ हुआ पीरियड हुआ तो रेडियस इनक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नया है अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग या रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं पढ़ा है आपने इस एटॉमिक रेडियस टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में रेडियस सब मैं अरेंज कर दूंगा फिर मैं आपको जेड स्टार क्या है कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं सिखा दूंगा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको बोलते हैं तो ये नया पॉइंट है ये तो आसान था ये नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ सेल ये तो इजी था बट ये एक नया पॉइंट है और पूछा जाता है कि वाइट रेडियस इंक्रीजेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियड तो आप एक्सप्लेन करेंगे आप लिखिए तो रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट from right to left in period of periodic table so radius increases from right to left

ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो यह आपको रीजन बताना है कि रेडियस रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रेडियस राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रहा है उसका रीजन है ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो जेड स्टार है वो घट रहा है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्सली uh, देख रहे हैं आप कि उल्टा चल रहा है तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेडियस जो है वो वन बाई जेड स्टार आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं वन बाई जेड स्टार इस तरह से ऐसा जेड स्टार मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो सब मैं बताऊंगा इसी टॉपिक में आटॉमिक रेडियस में बट वो लास्ट में आप थोड़ा सा आप इसके बारे में आप जाने तो जेड स्टार का मतलब जेड स्टार जो है वो उसका मतलब पी बाई भी होता है पी बाई क्या है मैं समझा देता हूँ तो ये रेडियस प्रोपोर्शनल टू ऊपर में आप ई और डिवाइड बाई पी भी लिख सकते हैं ई बाई पी ई बाई पी का मतलब होता है ई फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन ये है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे हम कई क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट है Redis का अरेंज करने में इस फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेंगे जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक रेडियस को अरेंज करने के लिए जैसे ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है आपका और एक जनरल क्वेश्चन है जैसे सी एल माइनस हो गया और क्लोरीन हुआ और सी एल प्लस हो गया ये ऐसे क्वेश्चन आ इस तरह से आप चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए एटॉमिक नंबर सबका पता है कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का सेवनटीन होता है सेवनटीन है और सेवनटीन है अगर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेवनटीन और एक नेगेटिव है तो ये एटीन हो गया ठीक है यहाँ पे सेवेंटीन रहने दीजिए और सेवनटीन में से एक घटाना है ये माइनस करेंगे तो ये सिक्सटीन हो गया नंबर ऑफ प्रोटोन चाहिए तो प्रोटोन प्रोटोन proton का नंबर सेम है यहाँ प्रोटोन का नंबर सेवनटीन रहेगा एटोमिक नंबर और सेवनटीन और सेवनटीन हो गया और आप जानते हैं कि रेडियस जो प्रोपोर्शनल टू होता है ई बाई पी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटोन ई बाई पी का मतलब ये हुआ 18 और डिवाइड बाई 17 ये रेशियो हुआ 17 और डिवाइड बाई 17 और ये रेशियो देखेंगे तो 16 और डिवाइड बाई 17 देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू है है ना रेडियस प्रोपोर्शनल टू ई वाई पी एटीन बाई सेवेंटीन सबसे लो वैल्यू वो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन में ये रेडियस अरेंज करना हो तो रेडियस में सी एल माइनस लीड करेगा सी एल और सी एल प्लस से ऐसे और ये सिर्फ एक जगह नहीं सी एल पे नहीं ब्रोमीन पे आयोडीन पे किसी पे या एनी एटम पे लगा सकते किसी भी एटम पे आप इसको लगा सकते हैं जैसे आपको लिखना हो क्लोरीन की जगह Br- माइनस लिख लीजिए और Br- और यहाँ पे बी आर प्लस यहाँ भी लगा सकते हैं देखिए आप आयोडीन के लिए लिखना हो आयोडीन भी लगा सकते हैं ये बहुत कॉमन फार्मूला है जो रेडियस आई माइनस देन आयोडीन और देन आई प्लस ऐसे लगा सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेडियस का जो ऑर्डर है किसी के लिए भी लगा सकते हैं रेडियस में सेम एटम रहे तो आर निगेटिव एन आइन एन का रेडियस ज़्यादा होता है कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ केटन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सेम टाइप ऑफ एटम सेम टाइप ऑफ एटम में ए नाइन का रेडियस बड़ा होगा कंपेयर टू न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल का बड़ा होगा कंपेयर टू द केटन ये तो ये एक जनरल रिजल्ट है जो इस फार्मूला से बन जाता है बहुत सारे ये फार्मूला बहुत सारा क्वेश्चन को अरेंज करते हैं नेक्स्ट जैसे आपका ये इस टाइप का रहे अल्मोनियम रहे अल्मोनियम है एलमोनियम और यहाँ पे रहे प्लस वन रहे अल्मोनियम यहाँ पे प्लस टू रहे और अल्मोनियम यहाँ पे प्लस थ्री रहे इस तरह का आपका क्वेश्चन है एलमोनियम आप जानते हैं कि अल्मोनियम कोई भी अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं थर्टीन और ट्वेंटी सेवन ये आप जानते हैं तो सेम टाइप का अगर एटम रहे सेम टाइप जैसे ये तीनों क्लोरिन केटाइन एन न्यूट्रल यहाँ भी सेम टाइप का एटम है देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो यहाँ पे है थर्टीन यहाँ एक हटा लीजिए ट्वेल्व दो हटा लीजिए एलेवन तीन हटा लीजिए टेन नंबर ऑफ प्रोटोन करेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन सब में थर्टीन 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 ये हो गया रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू ई बाई पी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटोन सो ये है थर्टीन बाई थर्टीन ये ट्वेल्व और डिवाइड बाई थर्टीन सो so एलेवन और डिवाइड बाई थर्टीन और ये है टेन डिवाइड बाई थर्टीन अरेंज कर लीजिए रेडियस तो एटॉमिक रेडियस रेडियस का अरेंजमेंट करना हो तो ये एलमोनियम एंड देन एलमोनियम प्लस वन एलमोनियम प्लस टू एल्मोनियम प्लस थ्री हो गया नेक्स्ट फेरस फेरिक में बना के देखिए तो फेरस और फेरिक फेरस फेरिक के लिए आप बना के देखिए थर्टीन यह है फेरस ये फेरस वो और यह है फेरिक ये आप जानते हैं फिर यह है ट्वेंटी सिक्स यह है, है नंबर जानते हैं आर का तो फिर फेरिक क्योंकि तो एक ही टाइप का एटम है सेम एटम एक ही टाइप का एटम है चार्ज अलग है कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो तो उस केस में चेक करिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये ट्वेंटी सिक्स माइनस टू ये ट्वेंटी फोर हो गया यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री ये ट्वेंटी थ्री हो गया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी ट्वेंटी सिक्स है और ये भी ट्वेंटी सिक्स है और रेडियस प्रोपोर्शनल टू और ई बाई पी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब यहाँ पे है ट्वेंटी फोर और डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स और यहाँ आप काउंट करेंगे तो ये है ट्वेंटी थ्री और डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स ऑफकोर्स इसका रेडियस बड़ा होगा रेडियस बड़ा है आपका तो रेडियस में फिरस, फिरस का रेडियस बड़ा है और से, फिरस बड़ा हुआ, से. आप यहां से एक नया रिजल्ट बना सकते हैं एक नया रिजल्ट आप यहां से बना सकते हैं जिससे ये सब इच्छा इसको देखते हुए कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है आप जानते हैं कि यहाँ अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूँ सो ऑक्सीडेशन और स्टेट अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चेक करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये प्लस टू है चार्ज ऑन केटाइन और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगा तो रेडियस क्या है ज्यादा है चेक कर लीजिए पे है 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 वही चीज़ मेन मेन फार्मूला फार्मूला बट उसी से रिलेट करेंगे जो रेडियस का हम लोग यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटोन अब इसको हम लोग कई फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे जैसे एक नया फार्मूला मिल गया कि रेडियस प्रपोशनल टू वन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट और ये लगाएंगे फॉर्मूला जो वन बाई ऑक्साइड स्टेट जो लगाएंगे फोर एटम आयन या कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट होना चाहिए तभी लगाइएगा जैसे यहाँ भी सारे एलिमेंट एक जैसा है वहाँ भी एलिमेंट एक जैसा है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला तब आपको यूज करना है ये फोर एटम आयन या कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट ये फार्मूला तब यूज करना है फोर एटम uh, और आयन और कंपाउंड्स ऑफ ऑफ सेम एलिमेंट रहता सेम एलिमेंट ये तब यूज करना मैं सिखाता हूं नेक्स्ट पॉइंट और फोर्टीन पॉइंट थर्टीन पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे और एक नया आपने रिजल्ट बनाया था और ये फोर्टीन पॉइंट वो रिजल्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये फोर कंपाउंड ऑफ द सेम एटम ये अगर आप ये आपका पहले भी पढ़ा हुआ है कि फोर कंपाउंड ऑफ सेम एटम एक ही एटम का कंपाउंड रहेगा तो ये जो पैटर्न फॉलो करना है जैसे रेडियस है रेडियस को अरेंज करना है रेडियस हुआ या फिर आप आइनिक आइनिक ऑर्डर अरेंज करना है आइनिक बॉन्ड आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में जो आइनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है तो रेडियस अरेंज करना है या एनिक अरेंज करना है या फिर आपको आप बेसिक का ऑर्डर अरेंज करना हो अनेक बॉन्ड अरेंज करना हो रेडियस अरेंज करना हो या बेसिक अरेंज करना हो तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग वन बाई ऑक्सीडेशन नंबर ये हम लोग यूज कर सकते हैं तीनों क्वेश्चन में आप वन बाई ऑक्सीडेशन नंबर बट ये कंपाउंड होना चाहिए सेम एलिमेंट का एक ही एलिमेंट का कंपाउंड होना चाहिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन इनका उल्टा अगर आइनिक है या बेसिक है रेडियस है तो बेसिक का उल्टा जैसा है एसिडिक अरेंज करना हो आपको या फिर आपको अरेंज करना हो आइनिक बॉन्ड का उल्टा कोवेलेंट अरेंज करना हो और रेडियस का उल्टा आप इलेक्ट्रोनिगेटिव कर सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ये अरेंज करते समय ये आपको फॉलो करना है ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ये ये आपको रूल फॉलो करना है ये, ये हमें तब फॉलो करना है फोर कंपाउंड ऑफ सेम एटम दोनों के लिए दोनों तभी आप यूज करेंगे कंपाउंड ऑफ सेम एटम फोर कंपाउंड ऑफ सेम एटम Of, uh, same तो हम लोग ऑलरेडी एक बार बॉन्ड में अरेंज कर चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं अभी रेडियस हम लोग पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन आगे एसिड बेस में भी पढ़ना है और ये भी आएगा तो छह बार रिपीट करेगा एक ही टाइप का क्वेश्चन सिक्स टाइम रिपीट करेगा खूब प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग को तो नेक्स्ट फोर्टीन फिफ्टीन में जैसे क्वेश्चन क्या होता है आपका चाहे इसी में लिख लीजिए पॉइंट में ही रखते हैं हमें रेडियस पढ़ना अभी हम लोग को रेडियस पढ़ना है तो रेडियस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो रेडियस में देखिए डायरेक्ट आंसर ही मैं कर रहा हूँ मान लीजिए एम एन ओ है और आप चेक करेंगे जैसे एम एन टू ओ थ्री है और फिर मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम एन ओ टू और फिर मैंने एक और कंपाउंड यहाँ लिखा ऐसे मैंने इस तरह से ठीक है तो आप चेक कर लीजिए चेक करिए देखिए यहाँ पे इसका सेम सारा कंपाउंड है एक ही एटम मैंगनीज का एटम का है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर टू है यहां मैंगनीज का यहां मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री हुआ यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है और यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है यहाँ पे तो जितना लो ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा रेडियस तो रेडियस अरेंज करने के लिए डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं ये कंपाउंड है सेम एटम का तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना लो रहेगा लो ऑक्सीडेशन नंबर हाई रेडियस और ये एक क्वेश्चन नहीं है सिक्स क्वेश्चन है जैसे रेडियस के लिए आइनिक के लिए बेसिक के लिए तीनों एक पैटर्न फॉलो करेगा और अगर एसिडिक कोवलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कर जाएगा Next. और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं मान लीजिए रेडियस में दूसरे जैसे आयरन का लेना हो आयन का लेना हो तो आप ले सकते हैं एफ ई ओ फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे एफ ई थ्री एफ ई थ्री ओ फोर और फिर यहाँ पे ले सकते हैं एफ टू ओ थ्री चेक करके देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया प्लस थ्री और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो प्लस एट बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए और भी ले सकते हैं लेट के लिए ले सकते हैं तो रेडियस में आप लेट के लिए बना लीजिए लेट, लेट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे आपका जैसे पी बी ओ नाओ पी बी थ्री ओ फोर नेक्स्ट आप पी बी ओ टू चेक कर लीजिए लेट के लिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये है प्लस टू ये लेड जो हुआ प्लस एट बाई थ्री नेक्स्ट लेड है ये है प्लस फोर ओके चेक करिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रेडियस क्लोरीन के लिए ले सकते हैं क्लोरीन में जैसे आप लिख सकते हैं एच सी एल ओ और एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ टू और एच सी एल ओ थ्री और एच सी एल ओ फोर ये ले सकते हैं चक् करिए यहाँ पर ऑक्सीडन स्टेट क्लोरीन का वन लो है सबसे लो यहाँ पे है थ्री थोड़ा सा हाई यहाँ पे फाइव और हाई हुआ और ये है प्लस सेवन वेरी है देखिए तो ये आप रेडियस हैं इसमें आइनिक नेचर भी कर सकते हैं बेसिक नेचर भी कर सकते हैं और रिवर्स करेंगे तो आपका ये तीन क्वेश्चन अलग बन जाएगा एसिडिक कोवलेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए अस और एक में लिख सकते हैं रेडियस के लिए वही है वन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट वन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अस और एक पे लिख सकते हैं जैसे रेडियस रेडियस में अस अस का रेडियस ज़्यादा होगा कंपेयर टू इक्स का मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट एस अस हम लोग जानते हैं लिखते हैं लो ऑक्सीडेशन नंबर को अस बोलते हैं और जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको इक बोलते हैं हाई ऑक्सीडेशन नंबर ये इक होगी ये रेडियस के लिए अब पैटर्न बना लीजिए रेडियस में बहुत सारा जैसे क्यूप्रस क्यूपरिक लिख सकते हैं क्यूप्रस वो और यहाँ क्यूप्रिक कर लीजिए स्टाइनस लिख सकते हैं स्टाइनस और स्टैनिक लिख सकते हैं मर्क्यूरस मर्क्यूरिक मर्क्यूरस एच जी प्लस और मर्क्यूरिक एच जी प्लस प्लस एवरिक का मतलब गोल्ड आप प्लस वन और गोल्ड जो है वो प्लस थ्री ये प्लस वन प्लस थ्री कोई भी लिख सकते हैं जैसे कुछ भी आपके पास जो है मान ली पुलॉम्बस पुलॉम्बिक पी बी प्लस टू भी प्लस फोर तो अस अस का रेडियस ज्यादा होगा एक्स नेक्स्ट पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन जैसे रेडियस का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो हम लोग अरेंज करने में सबसे ज़्यादा यूज हम लोग ने किया ई बाइक भी ऐसे यूज किया हम लोग ने इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग ने अभी बनाया था कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई ऑक्सीडेशन नंबर और ये होता है फॉर कंपाउंड या आयन ऑफ सेम एलिमेंट उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक और फार्मूला मुझे बनाना है वो भी छोटा सा फॉर्मूला है आपका देखिए आपका अगर ये जो ई e देख रहे हैं ई e, ई e जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ई e का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ई e कॉन्स्टेंट हो जाए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं फिक्स कर दूं कॉन्स्टेंट कर दूं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट हो जाए अगर सब में इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट हो जाए तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएगा तो ऐसे सिस्टम को हम लोग साइंस में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू जो ई बाई पी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ई e हटा लीजिएगा मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है आज इलेक्ट्रॉनिक में और वन बाई पी रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी का मतलब वन बाई पी 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 कॉल नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन जो ये और नंबर ऑफ प्रोटोन और एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटोन या आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक नंबर एकदम सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटोन एटॉमिक नंबर एक ही चीज़ है तो एक नया फॉर्मूला ये आया कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेट वन बाई जेड लगाना है किसके लिए तो ये कंडीशन है फोर आइसो लिए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में आपको ये रिजल्ट यूज करना है रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेट फोर आइसोलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होते हैं तो एकदम आसान है पहले भी पढ़ा हुआ है और फिर से देख लेते हैं आज सिक्सटीन में जैसे जैसे कार्बन फोर है माइनस है नाइट्रोजन थ्री माइनस है ऑक्सीजन टू माइनस है और फ्लोरीन माइनस है ऐसे एटॉमिक नंबर सबका पता है आप जानते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर हुआ इसका सिक्स होता है यहाँ एटॉमिक नंबर सेवन हुआ यहाँ एटॉमिक नंबर एट है और नाइन है अब अगर आप चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो सिक्स और फोर ऐड करना है टेन सेवन थ्री ऐड करना है टेन यहाँ भी टेन यहाँ भी टेन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गया आप किसी में जाएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट होने पे रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेट तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस सबसे बड़ा तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये सब क्वेश्चन ऐसे अरेंज कर चुके हैं हो गया यह है रेडिस का ऑर्डर yes. सेवेंटीन पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है और ये मैग्नीशियम भी हुआ और एलमोनीम है ऐसे एलमुनीयम प्लस थ्री है और सिलिकॉन प्लस फोर है ये पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका पता है आपको ये एटॉमिक नंबर एलेवन और ट्वेल्व थर्टीन फोटीन ऐसा हुआ किसी में जाके चेक कर लीजिए कहीं भी आप चेक करेंगे तो किसी भी जगह आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेन है ठीक है में से एक घटेगा टेन ट्वेल्व टू घटा टेन और ये सिस्टम जो हो गया वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रेडियस जो होता है वो होता है वन बाई जेट ऐसा इस पैटर्न को फॉलो करेगा मतलब रेडियस जो है सबसे बड़ा रेडियस हुआ सोडियम प्लस का मैग्नीशियम प्लस प्लस एल्यूमिनियम प्लस थ्री सिलिकॉन प्लस फोर ये ऐसा नेक्स्ट ये. पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स भी कर सकते हैं जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया फ्लोरीन माइनस है और यहाँ सोडियम प्लस है आपका और यहाँ नियन भी ले सकते हैं न्यूट्रल भी ले सकते हैं मान लीजिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन टू माइनस है और यहाँ पे आपको मैग्नीशियम भी है मान लीजिए फाइव सेट ले रहे हैं ऐसा इस तरह से पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है न्यूट्रल भी है और आप सबका एटॉमिक नंबर जानते हैं कि ये नाइन हुआ, तो हुआ ये एलेवन हुआ ये टेन है ये एट हुआ और ये ट्वेल्व हुआ अगर आप चेक करेंगे तो सबके पास इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो टेन है सबके पास इलेक्ट्रॉन टेन है तो सारे लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे और रूल आपको यही फॉलो करना है ये पैटर्न इसी को फॉलो करना है ये नहीं कि ये इनर्ट गैस है एक ये इनर्ट गैस हुआ तो सबसे बड़ा रेडियस हुआ नहीं सारे तो इनर्ट गैस ही हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन टेन टन टेन 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 सब तो इनर्ट गैस जैसा ही हो गया तो यहाँ आपको वनडरवर्ल रेडियस को नहीं समझना है यहाँ पर यहाँ पर इस रूल को फॉलो करना है क्योंकि सब लोग तो वनडर वर्ल्ड रेडियस ही फॉलो करेगा सब लोग का ऑक्टेट कंप्लीट है ठीक है तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर रेडियस का रहेगा तो रेडियस जो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो वन बाई ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बड़ा रेडियस ऑक्सीजन देन फ्लोरिन देन नियन सोडियम प्लस और देन मैग्नीशियम प्लस प्लस हो गया ये है रेडियस काउंटर नेक्स्ट 19 कोई भी ले सकते हैं जैसे पोटेशियम ले लीजिए और सल्फर ले लीजिए ऐसा आपका जैसे आप पोटेशियम है सल्फर है कैल्शियम ले लीजिए आप और क्लोराइड ले लीजिए ऐसे तो यह है इसका एटॉमिक नंबर 19 सल्फर 16 कैल्शियम 20 क्लोरीन जो हो गया 70 चेक कर लीजिए कहीं भी चेक करेंगे नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीन आएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीन के चलते ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड तो रेडियस वन बाई जेड वन बाई जेड फॉलो करना है तो सबसे बड़ा रेडियस हुआ सल्फर देन क्लोराइड एंड देन पोटेशियम देन कैल्शियम ऐसा तो पढ़ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन आते हैं पेपर में जैसे छोटा छोटा भी रहता है पेपर में बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन रहता है जैसे आप बताइए सो so, टाइटेनियम और प्लस फोर और मैंगनीज प्लस सेवन ऐसे लिखा रहता है इनका रेडियस अरेंज करने के लिए पूछा जाता है तो आप एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए वन टू थर्टी तक फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए स्कैंडियम टाइटेनियम ये है ट्वेंटी टू हो गया मैंगनीस हुआ ट्वेंटी फाइव अगर ट्वेंटी टू में से फोर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एटीन हुआ ट्वेंटी फाइव में से सेवन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एटीन हो गया ये एटीन और ये सेट हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई एटॉमिक नंबर इसका रेडियस बड़ा है

ट्वेंटी वन में जैसे मैं कुछ मिक्स कर दे रहा हूँ मिक्सिंग का मतलब है जैसे मैंने सोडियम लिख दिया यहाँ पे सोडियम ऐसे और यहाँ पे सोडियम प्लस कर दिया और यहाँ नाइट्रोजन कर लिया और ऑक्सीजन कर लिया ऐसे इस तरह से कर लिया देखिए अब मुझे रेडियस अरेंज करना है इन चारों का देखिए समझिए इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन इलेवन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेन हो गया यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन टेन है सेवन था और थ्री एड हुआ है एट है और टू एड हुआ है टेन है ऐसा देखिए आप अब उसके बाद अब वो तो सेट बन जाएगा ये सेट तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेट है ये तो समझ में आ रहा है बट ये अलग हो गया ये ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आपको ये समझना है सबसे पहले कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन टेन रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन टेन रहे तो टेन का जो कॉन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉन टेन का कॉन्फिग्रेशन आप नाइन्थ क्लास में जाएंगे और टू एंड एट यहाँ से पता चलता है कि आपके पास सिर्फ जो है टू और सेल है, टू ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स कहिए या सेल कहिए सिर्फ दो ऑर्बिट हैं अगर इलेक्ट्रॉन टेन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू इंटू एट और टू ऑर्बिट टू ऑर्बिट्स का मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे ऑर्बिट बना लेंगे बट अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में आएगा टू एट और वन और इस केस में यहाँ पे थ्री ऑर्बिट्स or, आ जाएगा थ्री ऑर्बिट्स आएगा और थ्री ऑर्बिट्स में वन ऑर्बिट टू ऑर्बिट और थ्री ऑर्बिट तो रेडियस इसका बड़ा होगा ये रेडियस जो देख रहे हैं ये रेडियस और ये रेडियस में ये थ्री ऑर्बिट जिसके पास है थ्री ऑर्बिट्स वाले का रेडियस बड़ा रहेगा क्योंकि रेडियस जो है फंडामेंटल रिजल्ट है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट ये तो एक फंडामेंटल रूल है कि जितना ऑर्बिट्स रहेगा उतना ज़्यादा रेडियस तो होना ही है आपको तो अगर इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाए तो वेरी करे तो आप नाइन्थ क्लास के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में जाएंगे और जाके देखेंगे कि यहाँ तो सिर्फ दो ही ऑर्बिट है बट यहाँ पे तीन तीन ऑर्बिट है ये तीन ऑर्बिट हो गया और इसका रेडियस हमेशा बड़ा रहेगा तो रेडियस जो है इसका ये क्योंकि इसके पास जो है अगर आप ये बनाएंगे और ये एटम बना रहे हैं सेंटर पे एटम बना रहे हैं तो इसके पास तीन ऑर्बिट मिलेगा ऐसे तीन ऑर्बिट इसके पास मिलेगा और इन लोगों के लिए इन लोगों का अगर सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहे हैं तो आपको सिर्फ दो ही ऑर्बिट मिलेगा तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि रेडियस जो है वो सोडियम का ये सोडियम है बड़ा होगा कंपेयर टू इन तीनों लोगों से इनसे और इनसे और ये ऑक्सीजन से इन तीनों लोगों से बड़ा रहेगा ये तो क्लियर हुआ और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इन लोगों के लिए रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेट ये यूज करेंगे फाइनली हमारा अरेंज हो गया कि रोड रेडियस सोडियम सबसे बड़ा उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन टू माइनस नाइट्रोजन थ्री माइन सॉरी सॉरी मिस्टेक आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटोमिक नंबर कम कम में नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन थ्री माइनस हुआ फिर ऑक्सीजन टू माइनस हुआ देन उसके बाद आपका सोडियम प्लस हो गया यह है ऑर्डर रेडिस uh, का अरेंजमेंट के लिए देखिए मिक्स हो गया यहां पे आईसो इलेक्ट्रॉनिक भी हुआ नंबर ऑफ सेल्स भी आ गए नेक्स्ट आप बनाएंगे ऐसे ही मैं मिक्स करके और दे रहा हूं 22 मैंने पोटेशियम यहां कर दिया पोटेशियम प्लस कर दिया यहाँ पे क्लोराइड माइनस कर दिया यहाँ पे ऑक्साइड कर दिया और मैग्नीशियम कर दिया ऐसे तो मैं मिक्स कर दिया ऐसे सब मिक्सिंग कर दिया अब आपको अरेंज करना है एडेडीज के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये 18 है 19 हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है अगर इलेक्ट्रॉन 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू और एट एट और वन ये नाइन्थ क्लास के टॉपिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया इससे हमें पता चला कि इसके अंदर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद इसमें फोर ऑर्बिट है ऐसे वन टू थ्री एंड फोर फोर ऑर्बिट है जहाँ इलेक्ट्रॉन एटीन है एटीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू और एट और एट मतलब ये इसका न्यूक्लियस हो गया तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेन है इसका इलेक्ट्रॉनिक एंड ये न्यूक्लियस हुआ हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट हुआ ऐसा। इस तरह से मतलब सबसे बड़ा रेडियस सबसे ज्यादा रेडियस तो इसका होगा ये रेडियस होगा सबसे ज्यादा रेडियस उसके बाद ये रेडियस हुआ ये थोड़ा सा कम हुआ और ये एकदम कम हुआ एकदम कम रेडियस होगा ऐसा रेडियस होगा ठीक है तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यहां तो हम लोग बना लेंगे कि इनके लिए फॉर्मूला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इनको अरेंज कर लेंगे रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड और इनको भी अरेंज कर लेंगे इनका रेडियस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड इस तरह आप रेडियस को अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा रेडियस सबसे बड़ा रेडियस हो गया के का ऐसा इन दोनों में इन दोनों में बड़ा रेडियस हो गया ये वाला सी एल माइनस और सबसे छोटा ये है और इन दोनों में वन बाई जेड का मतलब ये इसका रेडियस बड़ा हुआ ये है करेक्ट ऑर्डर तो नंबर ऑफ सेल प्राइमरी रूल है और उसके बाद फिर अपना चेक करिए कैसे आपको बनाना है ट्वेंटी थ्री बनेंगे ये तीनों का इन तीनों का रेडियस अरेंज करना एटॉमिक नंबर लिख दू मैं आपको पता है यहां वन यहाँ है थ्री और यहाँ वन अब इलेक्ट्रॉन अग अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था घटाना है इसमें से निकालना है जीरो हो गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो टू हुआ यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो टू हुआ ये देख लीजिए ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होलैक्ट्रॉनिक में रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई जेड होता है इसका रेडियस तो जीरो ही हो जाएगा इसका तो कोई रेडियस है ही नहीं ये H प्लस एच प्लस तो आप जानते भी हैं कि H प्लस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटोन को प्रोटोन प्रोटोन और जब इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो गया क्योंकि रेडियस का फंडामेंटल रूल तो यही है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ़ प्रोटोन जब इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो गया तो इसके लिए रेडियस तो जीरो हो जाएगा ये एक पार्टिकल हो गया रेडियस जीरो हो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ओनली न्यूक्लियस है एटॉमिक रेडियस तो है ही नहीं इसमें और इन दोनों में आपका ये तो पता चला कि देखिए रेडियस में सबसे ये दो लोग लीड करेगा लिथियम प्लस और ये एच माइनस लीड करेगा कंपेयर टू द एच प्लस यहाँ तो रेडियस है ही नहीं आपका और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में वन बाई एटोमिक नंबर ऐसे यूज करना है इसका मतलब इसका रेडियस क्या है एटोमिक नंबर कम है तो इसका रेडियस ज्यादा हुआ तो करेक्ट ऑर्डर जो हुआ वो है एच माइनस देन लिथियम प्लस देन एच प्लस ये है ऑर्डर नेक्स्ट मान लीजिए इसमें मैं लिथियम ऐड कर दूं और H प्लस कर दूं और यहाँ पे लीथियम प्लस कर दूं और H माइनस कर दूं ऐसे कर दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि इन चार का एटॉमिक रेडियस चाहिए नीचे इनका एटॉमिक नंबर लिखना हो लिख सकते हैं यहाँ वन लिख सकते हैं थ्री और यहाँ वन ऐसे लिख सकते हैं इस तरह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन थ्री हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया यहाँ इलेक्ट्रॉन टू हुआ यहाँ इलेक्ट्रॉन टू हुआ ऐसे यहाँ तो रेडियस पता चला कि इसका रेडियस तो जीरो है ये यह, इसका यहाँ इनको बना लेंगे कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू वन बाई एटॉमिक नंबर वो कर लेंगे ठीक है अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन थ्री है तो थ्री के चलते आप समझिए यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन थ्री है तो थ्री को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे तो टू इन वन लिखना पड़ेगा और इसके चलते ये न्यूक्लियस है तो आपके पास यहाँ टू ऑर्बिट होगा टू ऑर्बिट हो गया और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाली टू है इलेक्ट्रॉन वनि टू है तो सिंगल ऐसे सिर्फ सिंगल एक ही ऑर्बिट बनाना पड़ेगा ऐसे तो अगर इलेक्ट्रॉन थ्री है तो थ्री वाले इलेक्ट्रॉन का रेडियस ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू टू वाले इलेक्ट्रॉन से तो इसका रेडियस ज़्यादा रहेगा आपका रेडियस अरेंज करना हो तो रेडियस में सबसे बड़ा रेडियस ये लिथियम का रहेगा देन उन दोनों का हमें अरेंज करना है लिथियम प्लस और एच माइनस लास्ट में रेडियस रहेगा H प्लस ये तो जीरो रेडियस है इस तरह रेडियस में आप लीथियम और फिर इन दोनों में H माइनस लीथियम प्लस और फिर H प्लस ऐसे लिख सकते हैं ये है ऑर्डर नेक्स्ट 25. So सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन minus माइनस फ्लोरिन माइनस और फ्लोरिन ये चार ऐसे लिखे हुए हैं इस तरह से लिखा हुआ और मुझे चाहिए रेडियस इनका रेडियस अरेंज करना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया एट और यहाँ टेन हुआ यहाँ टेन हुआ, हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ नाइन नाइन इलेक्ट्रॉन हुआ आपने जो रेडियस का ये पैटर्न बताया था इसको भी कुछ फॉलो करेंगे आपने रिजल्ट बताया था कि रेडियस ऑफ ए नाइन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑन देन रेडियस ऑफ के ये जो आपने पैटर्न बताया था आपने बोला था कि निगेटिव वालों का रेडियस ज़्यादा होता है ऐसे कंपेयर टू न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव ये ऐसे आपने बोला था कि सेम टाइप का है तो वो आप लगा सकते हैं क्योंकि ये, ये ये भी बहुत क्लोज है एटॉमिक नंबर क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल तो वेरी कर नहीं रहा है सब में नंबर ऑफ सेल तो सेम ही है तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि आ, रेडियस रेडियस में ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और निगेटिव और फ्लोरीन निगेटिव ग्रेटर होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से इनसे ज़्यादा होगा इस सेट के लिए इन सेट के लिए ये इनके लिए आप लगा सकते हैं रेडियस प्रोपोर्शनल टू तो वन बाई जेड ये।, ये लिख सकते हैं वन बाई ऐसे रेडियस प्रोपोर्शनल टू तो वन बाई ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक है और इ इनके लिए इनके लिए तो आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे पढ़े थे ना आप आपने पढ़ा था ऐसा कि ये है आप क्वेश्चन बना चुके हैं कि अगर ये लिथियम है और बेलियम है बोरन है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियन ऐसे तो आप पढ़े हुए हैं कि रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाता है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन फ्लोरीन में रेडियस ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से तो अब अरेंज कर सकते हैं फाइनली आप रेडियस बना लीजिए सो so, इन दोनों में लीड करेगा यहां पे ओ टू माइनस ऑन देन एफ माइनस एंड देख यहां पे आपका ऑक्सीजन देन फ्लोरिन ये फाइनल हो गया तो मिक्सिंग रहेगा एक में मिक्स कर दिया जाएगा कई रूल्स को नेक्स्ट क्वेश्चन